फर्स्ट जून पिछले 24 घंटों में नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर, साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके, इंटीरियर का केवनझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हुआ है। हाईएस्ट बारिश हुआ है कप्तीपारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 43.0 मिलीमीटर, उसके बाद बारी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में 29.2 मिलीमीटर, निमापारा पुरी डिस्ट्रिक्ट में 27.2 मिलीमीटर, बारीपदा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 17.8 मिलीमीटर। और मैक्सिमम टेम्परेचर कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक के आसपास था, इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री ज्यादा था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था सोनपुर 44.5 डिग्री सेल्सियस, 42 एंड अबव था बोलांगीर 43.5, टिटलागढ़ 43.2, संबलपुर 43.0, बोध 42.5, बरगढ़ 42.5, झारसुगुदा 42.4, भुवनेश्वर सिटी में था 38.0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है इसमें सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, ओंगोल, ढेंकनाल, केन्दमाल, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक तो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हो सकता है। फिर कल 2nd, 3rd एंड 4th बारिश का अमाउंट एक दो जगह करके ही रहेगा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में। और 5th में हमारा स्लाइटली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, उसमें सुंदरगढ़, देवगढ़, केवनझर, मयूरभंज, बालासोर, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, खोजापुति डिस्ट्रिक्ट में स्कैटर्ड वे में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, आज स्लाइटली डिक्रीज कर सकते हैं, फिर कल स्लाइटली इंक्रीज करेगा, तो कुल मिला करके ज़्यादा चेंजेस अभी होने का चांसेस नहीं है। वेस्टर्न विशाखा डिस्ट्रिक्ट में हमारा टेम्परेचर 41 to 44 कुछ कुछ स्थानों पर रहने का चांसेस है, स्वाभाविक से भी 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहने का चांसेस है अगला 4-5 दिन तक। भुवनेश्वर सिटी में आज टेम्परेचर 35-36 रेंज का रहने का चांसेस है, बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ होने का चांसेस है इवनिंग बाय नाइट की तरफ।